नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बुधवार की रात चुपके से किसी को बिना बताए रख देना, यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही खास और विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय जिनको यदि आप किसी भी बुधवार के दिन कर ले तो ना केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो अवश्य ही पूरा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देगा कि जिस कार्य को भी करेंगे उस कार्य में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपका कोई भी सपना होगा वो तो पूरा होगा ही होगा। इसी के साथ दोस्तों, सच मानिए, आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप किसी ज्योतिष के पास, पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं तो वो जो भी आपको उपाय बताएंगे, तरीका बताएंगे, पहले तो आपका उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा और आपका समय भी बहुत नष्ट होगा। किंतु यदि आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं और लौंग के उन उपायों को ठीक तरीके से समझकर कर लेते हैं जो सिर्फ आपको बुधवार के दिन 2-4 मिनट निकाल करके करना है, तो मान के चलिए दोस्तों, जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। शायद ये बात आपको ना पता हो, दोस्तों, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और बजरंग बली जी की पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए, इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध हो जाए, वो जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें उस उपाय का उसको तुरंत फायदा मिल जाए, तो उसको हनुमान जी के सामने लौंग के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए। लौंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अब आप लोग यह बात अवश्य सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, लौंग का जो आकार होता है वो हनुमान जी के गदा की तरह होता है, इसीलिए हनुमान जी महाराज को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग के उपाय को सबसे अव्वल उपाय बताया गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि बुधवार के दिन मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो, तो जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो भी टोना टोटका करते हैं उसमें लौंग का प्रयोग ही करते हैं, जैसे हम आपके वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। लौंग का प्रयोग यदि किसी पूजा में किया जाए तो वो पूजा सिद्ध हो जाती है। और दोस्तों, यदि आज के इस छोटे से वीडियो को आप देखते हैं और समझ करके कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राचीन काल के समय के महाउपाय है, सच मानिए जीवन की समस्त तरह के दोहक, समस्याएं, दिक्कतों आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी, वो आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपकी, मान लीजिए, जॉब नहीं लग रही थी, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। आपका मंगल है, आपका इतना साथ देगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हैं, हनुमान जी के से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगी। आपके जीवन में फिर आपको कभी भी दुख, दर्द, तकलीफों का सामना ना करना पड़े, तो सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, लौंग का उपाय यदि सही मुहूर्त पर हम लोग करते हैं तो अवश्य ही इसका फायदा मिलता है। किंतु उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, लौंग के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपायों को करने की एक विधि है और है, इस हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, इसको किस पर करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया
वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यह उपाय आपको 5 बुधवार करना है। 5 बुधवार का मतलब 5 सप्ताह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। मान आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए कि जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो बस ये उपाय 5 बुधवार कर लीजिए। 5 बुधवार का मतलब ये है दोस्तों कि आपको ये 5 बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा। सबसे पहले बुधवार को सूर्यास्त के पश्चात आपको नहाना धोना है, कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए, आपको एक शीशी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, चाहे कांच के शीशे ले लीजिए, एक लाल कपड़ा लेना है, आपको आधा भरना होगा नमक। अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के पश्चात अपने घर पर बैठना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं, लाल कपड़ा भी चाहिए, कपड़े पर आपने जो लिए जिसने आधा नमक भरा है उसको रखिए, अपने हाथ में 2 लौंग लीजिए, हनुमान जी का भी इस मंत्र बोलिए, 20 मंत्र इस तरह से ओम हनुमते नमः, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः, इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज, इनकी पूजा में जब भी 1008 इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो उस फायदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब आपने 20 मंत्र का जाप कर लिया, इस 2 लौंग को इस शीशी में रख दीजिए। अब आपको इस लाल कपड़े से इस शीशे को रख करके पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी पोटली को तिजोरी में, अलमारी में, जहां भी आप पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। एक बुधवार को अपने यह उपाय कर लिया, दूसरे बुधवार को इस पोटली को निकालिए, शिक्षकों खोलिए, लौंग हाथ में रखिए, हनुमान जी का बीज मंत्र बोलिए और 2 लौंग रख दीजिए। 5 बुधवार यह उपाय कर लीजिए। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो लौंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कष्टों को, तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन पानी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों इस बात पर सेक्शन में तुरंत दीजिए बजरंग बली की जय। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों शायद बात आपको ना पता हो, आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हंसता खेलता कूदता नहीं देख सकता है। यदि आप घर की बरकत होती है, उन्नति होती है, तो लोग नजर लगा देते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी देती है। और यदि आपके घर की बरकत हो रही थी, उन्नति हो रही थी, घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है कि घर पर रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, 3 बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं, और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके घर को मिल जाएगा कि आपको 3 बुधवार मतलब सूर्यास्त के पश्चात नहाना है, धोना, नहाने, धोने के पश्चात लाल पहन लीजिएगा। आपको घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का जलाना है और एक एक लौंग डालना, एक लौंग डालने से पहले अवश्य बोल दीजिएगा। 3 बुधवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने महा उपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए, तो एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए यह उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सुबह का मतलब सूर्यास्त से पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी बुधवार के दिन कर लीजिए। एक ही बुधवार का यह उपाय है। आपको कुछ चीजें चाहिए होगी, लाल कपड़ा चाहिए, आपको 11 लौंग चाहिए और 5 घूमती चाहिए। किसी भी पूजा घर पर यह आसानी से मिल जाता है। अब आपको ये सारी चीजें लें करके हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। इस लाल कपड़े बिछाएं, उस पर 11 रोग रखिए, 5 गोमती चक्र रखिए, इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। इस पोटली हनुमान जी के दाई चरण से छू आने से पहले
वो ओम हनुमते नमः का एक 8 बार जाप कर इस पोटली को हनुमान जी के दाई चरण से छुआइए और अपने व्यापार स्थान पर ले जाएं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं उस पैसे के लेन देन वाले दान पेटी में या जो भी जगह पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, आपके व्यापार पर जो भी दोषी होगा भी दिक्कत होगी, वो समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार चारों दिशाओं से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है उसके साथ होता है, मान के चलिए वो गलत निर्णय भी लेगा, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा, और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ नहीं होता है वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती है। मंगल ग्रह उसके साथ होता है, उस व्यक्ति का भाग्य भी उसका देता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दें, 3 बुधवार या उपाय कीजिए जो आपको हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। 3 बुधवार का मतलब 3 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। आपको पहले बुधवार को सूर्यास्त से पहले नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहने हैं, आपको हाथ में लौटा लेना है। लौटा कौन सा? तांबे का लौटा होना। उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए। आपको 2 लौंग अपने हाथ में लेनी है। किसी भी घर के पास वाले पीपल के इस पेड़ के पास चले जाएं। पीपल के पेड़ के पास जाने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं और 2 लौंग को पूर्व दिशा में बहा दीजिए। 3 बुधवार ये बाएं कर लीजिए। 3 बुधवार के पश्चात मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस स्नान के पश्चात हनुमान चालीसा का कर और हनुमान जी की पूजा करके जाएं, आपको कामयाबी मिलेगी। हनुमत कृपा से आपके सभी तरह के भय दूर हो जाएंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक।